धनबाद जिला मादरा पंचायत के अंतर्गत जयरामडी, दौलतडी और बेनीडी तीनों गांवों के मोजा को मिलाकर ब्लॉक टू उत्खनन कार्य हेतु BCCL कंपनी जमीन अधिग्रहण किया, जिसमें तीनों गांवों को 292 नियोजन मिला। करीब 20 परिवार आज भी जयरामडी मोजा अंतर्गत रायटोला में मौजूद है, जिन्हें मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते इन्हें भूमिगत आग के कारण भू ध्वांस एवं जहरीले गैस की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहले हम लोग को नोटिस 85 ही मिला, हम लोग तीनों गांव को खाली करने का। 12/12/90 को हम लोग ब्लॉक टू परियोजना का पूरा चक्का जाम कर दिया, जब गांव में आग लग गई तब। और BCCL के प्रबंधन के लापरवाही कारण गांव में आग लगी। हमारे गांव में कोई आग नहीं था, बगल मधुवन गांव में आग था, उसको कोयला डंप से उठा करके वो भी डंप पर लाके हम लोग गांव के बगल में गिराने लगे। हम लोग इतराज भी किए थे, पर तो उस समय CGM को दिखा दिया कि हमारा सर्टिफिकेट धारी है, हम माइनिंग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। परंतु उनका विपरीत हुआ कि जो हम लोग का संभावना था वही हुआ, पूरा गांव में आग लग गया। SDO डिपुट आए, उनके मध्यस्थता में बात हुई और समझौता हुआ कि पूरा गांव को जिस प्रक्रिया से और लोगों को नौकरी मिली है, BCCL दी है, वही प्रक्रिया से पूरा गांव को नौकरी दिया जाए और शायद बड़ा पांडे दी में दिया जाए। जब पूरा तरह से लोग गाँव खाली करके चले आए तो BCCL फिर निश्चित होने लगा, काम में डिले करने लगा, नतीजा होने लगा कि जो विस्थापित हम लोग को जमीन था, जहां हम लोग को विस्थापित होना था, उसका सब प्रक्रिया मैंने हजारीबाग कमिश्नर तक के फाइल गया और वो फाइल फिर ब्लॉक टू प्रबंधन दबा लिया और वहां प्राइवेट आदमी को ब्लॉक टू प्रबंधन के पदाधिकारी, पूरा प्रबंधन है उसका पदाधिकारी कुछ जो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, वो लोग मिलकर अपने भी जमीन खरीद लिए और बाहर के आदमी को भी जमीन खरीदवा और कुछ आदमी को नौकरी भी देने में कानाकानी करने लगे, किसी को कुछ बहाना से, किसी को कुछ बहाना से। अभी तक तो कंपनी जैसा बताता है कि 392 नौकरी क्लियर किए हैं, नाम दिए हुए उस लिस्ट में, पर उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। और इससे 20-25 आदमी नौकरी नहीं मिला, 20-25 आदमी को नौकरी नहीं मिला है, 20-25 आदमी से 2-4 कम बेसी तो साइड भी नहीं मिला है, न घर के रह गए हो न घाट के रह गए। इसका समाधान फिर वही, पहले तो वार्ता ही किया जाएगा, संपर्क किया जाएगा, नहीं संपर्क सुनेंगे तो फिर परियोजना बंद करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जब तक उनको डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक तो नहीं सुनेंगे, लगभग लग रहा है। उसको कुछ पदाधिकारी जो ब्लॉक टू का, जो विस्थापित का कार्यालय का कुछ पदाधिकारी हैं, जो निहित स्वार्थ साधे हुए हैं, जहां विस्थापित बगल में वो जमीन खरीदे हुए हैं, गरबा जमीन वो खरीद लिए हैं, वो कैसे गरबा जमीन वो कैसे खरीद, जहां विस्थापित होना है वहां वो खरीद लिए हैं, खरीद लिए हैं, बहुत लोगों और दबंग लोगों को दिलवा दिए, कितना संग लड़ेंगे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जाता, मैं चाहती हूँ कि इनका हक जल्द से जल्द मिले। इसके लिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ कि आप BCCL कोल माइंस डायरेक्टर कोयला भुवन धनबाद के श्री TK लाहिड़ी को संपर्क नंबर 03262230112 पर फोन कर अविलंब दबाव बनाएं और दहशत में जी रहे इन लोगों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन दिलाने हेतु मदद करें। मैं भारती, रायटोला, बागमारा, धनबाद, झारखंड से, इंडिया अनहद के लिए।